देश की सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जिस तरह से पुलिस का राजनीतिकरण करने की जो षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया है और बताया कि किस तरह से उनको जेल में रख करके अमानवीय यातनाएं और अवैधानिक तरीके से अवैध तरीके से तत्कालीन एटीएस चीफ और उसकी टीम के द्वारा सिर्फ राजनेताओं को खुश करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस के इशारों पर दी गई वो विभत्स यातनाओं ने देश को शर्मसार कर दिया है। आखिरकार किस तरह से एक साध्वी को पॉर्न फिल्में दिखाई गई, किस तरह से उनके साथ गाली गलौज किया गया, किस तरह से उनको अवैध तरीके से मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो साबित करना चाहते थे, उनके मुंह में डाल करके बोलवाना चाहते थे कि हाँ वो हिंदू आतंकवादी थी, वो भगवा आतंकवादी हैं और वो स्वीकार करें कि हाँ भगवा आतंकवाद है, हमने आतंकवाद किया, हमने बम विस्फोट किया। ये इस तरह की जो मानसिकता है ये बहुत ही दुखदाई और इसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि देश की छवि को बाहर भी विदेशों में भी खराब करने की कोशिश करी। आज तक वो पाकिस्तान के लोग इस बात को रो रहे हैं कि मालेगांव ब्लास्ट, जबकि आतंकवादी कोई और था, साबित करने के लिए किसी और को चुना गया। और वही काम आज वही कुछ पुलिस अधिकारी पहले कांग्रेस के पेरोल पर काम कर रहे थे, आज किसी और दूसरे राजनीतिक दल के पेरोल पर काम कर रहे हैं। पहले साध्वियों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुत्व को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, आज कुछ स्वतंत्र पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, अनेक प्रकार से राष्ट्रवादी लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद शर्मसार करने वाली बात है, दुखदाई बात है। इस सब की एक जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसकी जांच करे कि आखिरकार कौन सी मानसिकता है, कौन लोग हैं जो इस खाकी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जांबाज पुलिस के अफसरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। आखिरकार कौन सी मानसिकता है, कौन षड्यंत्रकारी हैं जो कि इस तरह से चाम दाम दंड भेद के माध्यम से जो लोकतांत्रिक आवाज़ है और जो स्वतंत्र पत्रकारिता है और जो हिंदुओं के सिद्धांतों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको सबको एक राष्ट्रवादियों को दबाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन सब की गहन जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।